हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी कैली नाम की एक लड़की और उसके भोले भाई के बारे में है, जो अपने ही घर में एक बाघ के साथ कैद हो जाती है। बाघ के साथ मौत का खेल खेलते समय कैली को अपने सौतेले पिता के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जो बाघ के घर में होने से ज्यादा भी दिल दहला देने वाली थी। अब ये सच्चाई क्या थी और क्या कैली और उसका भोला भाई बाघ से बच पाए, सब बातें जानने के लिए कुछ पॉपकॉर्न्स लीजिए और आराम से बैठिए और इससे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, तो कहानी की शुरुआत एक ट्रक के रेडियो में दी जा रही खराब मौसम की चेतावनी से होती है। रेडियो में बताया जा रहा था कि आज भयानक तूफान आने की संभावना है, इसलिए जहां तक हो सके घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें। लेकिन हमारे ट्रक में मौजूद ड्राइवर महाशय को इन सब बातों में जरा कम इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए जनाब ने रिपोर्टर की बात खत्म होने से पहले ही चैनल को चेंज कर दिया और गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद ड्राइवर सड़क किनारे रुककर जॉनी का इंतजार करता है। कुछ देर में जॉनी यहाँ पहुंचा और ड्राइवर से पूछने लगा कि मैंने जो मंगवाया था वो लेकर आए हो। दरअसल जॉनी ने अपने किसी काम से एक टाइगर को खरीदा था और ये ड्राइवर उसे लेकर आया था। ड्राइवर ने उसे परमिट मांगा और जॉनी ने उसे दे दिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर शटर खोलता है और हमें अंदर एक बाघ दिखाई देता है जो कि एक पिंजरे में कैद था। जॉनी ड्राइवर से पूछता है कि ये टाइगर ट्रेंड तो है ना, क्योंकि मैं एक सफारी पार्क शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे एक ऐसा बाघ चाहिए जो पार्क में लोगों को डरा सके और कुछ करतब दिखा सके। इसमें ट्रक ड्राइवर नहीं में जवाब देता है, जिस पर जॉनी कहता है कि फिर ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मुझे तो मेरे सफारी पार्क में आने वाले लोगों को रोमांचक और डरावनी फील देने के लिए जीव चाहिए। जॉनी की बातें सुनकर ड्राइवर वापस जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि मैं इसे बेचने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हुए एक शो में ये टाइगर सर्कस के घोड़े को खा गया था, जिसके चलते 300 लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। ये सुनकर जॉनी काफ़ी खुश होता है और टाइगर खरीदने का मन वापस बना लेता है। जॉनी टाइगर को यहाँ से लेकर जाता, उससे पहले ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ज़रा सावधान रहना क्योंकि इस टाइगर ने पिछले 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया है। इसी समय जॉनी की स्टेप डॉटर कैली अपने भाई टॉम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती हैं। दरअसल टॉम दिमागी रूप से बीमार बच्चा था, माँ समय से पहले ही चल बसी और कैली कॉलेज की पढ़ाई करती थी। ऐसे में टॉम का इलाज और देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो कैली ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का फैसला लिया। पेपर वर्क के बाद कैली टॉम को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी टॉम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर वहाँ की एक डॉक्टर टॉम को शांत करती है। लेकिन इससे पहले कि कैली यहाँ से जाती, एक असिस्टेंट अंदर से आती है और बताती है कि कैली की पेमेंट बार बार फेल हो रही हैं। कैली ने बैंक में पता लगाया तो पाया कि उसके पिता ने अकाउंट के सारे पैसे टाइगर खरीदने में खर्च कर दिए हैं। अब उसे मजबूरन टॉम को घर वापस ले जाना पड़ेगा। कैली टॉम को लेकर घर जाने के लिए निकल जाती हैं। इधर जॉनी ट्रक लेकर घर पहुंचता है, जहां कुछ मजदूर उसका इंतजार कर रहे थे। वो इनके साथ मिलकर घर को ही पूरी तरह से कवर कर रहा था ताकि तूफान आने पर उन्हें कम से कम नुकसान हो। इसके बाद सभी वर्कर्स मिलकर टाइगर के पिंजरे को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान दुर्भाग्य से टाइगर ने एक शख्स की उंगली काट डाली। जॉन ने उसे अस्पताल जाने का कहकर छुट्टी दे दी और काम जारी रखा। इसी बीच गुस्साई हुई कैली घर पहुंच जाती है और जॉनी से कहती है, ये मेरी माँ के पैसे थे, प्लीज मुझे वो वापस दे दो, उन पैसों के बिना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैली के भीख मांगने के बावजूद भी जॉनी ने उसे पैसे नहीं दिए और कहा कि मैंने उन पैसों से टाइगर खरीद लिया है। अब कैली न तो टॉम को घर पर छोड़कर कॉलेज जा सकती थी और न ही पैसों के बिना अस्पताल में उसे छोड़ सकती थी। ऐसे में कैली ने अपने प्रोफेसर को कॉल लगाया और कहा कि मैं इस साल कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। इस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि अगर वो कॉलेज नहीं आई तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए एक बार फिर से सोच लियो। लेकिन कैली का फैसला फाइनल था, अब उसे अपने भाई की ही देखभाल करनी थी। रात हुई और सब लोग सोने चले गए। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैली ने अपने भाई टॉम को दम घोटकर मार डाला, क्योंकि अब वो उसकी देखभाल करते करते थक चुकी थी। वो कुछ और करती इससे पहले तूफान शुरू हो गया और पसीने से लथपथ कैली की आंख खुल गई, यानी ये बस कैली का एक सपना था। घबराई हुई कैली पानी पीने के लिए उठती है और तभी हम देखते हैं कि किसी आदमी ने घर में मौजूद टाइगर के पिंजरे को खोल दिया है। कैली पानी पीकर ऊपर आ ही रही थी तभी उसे अपने घर में किसी की आहट महसूस होती है। कैली ने चुपके से नीचे देखा तो पाया कि उसके घर में एक टाइगर घूम रहा है। टाइगर को देख कैली के होश उड़ गए, लेकिन वो बिना आवाज किए चुपचाप अपने कमरे में चली गई और खिड़की से भागने का प्लान बनाया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि खिड़कियां तो तूफान के कारण बंद करवा दी गई हैं। अब कैली ने सोचा कि क्यों ना जॉली को कॉल करके मदद मांगी जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उसे फोन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में कैली ने बाहर जाकर फोन ट्राई किया, लेकिन खराब मौसम के चलते फोन भी नहीं काम कर रहा था।
अब कैली न तो घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी को मदद के लिए बुला सकती थी, यानी अब वो घर में नरबक्षी के साथ पूरी तरह से फंस चुकी थी। कैली बहुत डर जाती है और टॉम को देखने उसे कमरे में जाती है, लेकिन उसे टॉम कहीं नजर नहीं आया। अब कैली को ये भी डर था कि कहीं टॉम बाग के पास तो ना चला गया हो। कैली हिम्मत जुटाकर नीचे जाती है और लॉन्ड्री रूम में अपने फ़ोन से एमरजेंसी सर्विस पर कॉल लगाती है, लेकिन तूफान के चलते इस नंबर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो उसे इससे भी कोई मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में उसके पास जॉनी को फ़ोन लगाने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन जॉनी भी फ़ोन नहीं उठा था क्योंकि वो बार में जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त था और उसका फ़ोन कार में पड़ा था। अब घबराई कैली को अपने ऊपर के फ्लोर में टाइगर चलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए उसने बाहर जाकर टॉम को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि सीढ़ियों में बाघ की परछाई है। कैली ने तुरंत घर का मेन गेट खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पता चलता है कि उसके पिताश्री ने तूफान के चलते गेट भी बंद कर दिया है। कैली इसे तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी आवाज़ सुनकर बाघ उसकी तरफ आने लगा। ये देख कैली यहाँ से भागकर बाथरूम में चिमनी में छिप जाती है, लेकिन इस दौरान उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और गिरते ही 911 यानी एमरजेंसी सर्विस से कॉल भी आ जाता है। लेकिन अफसोस कि इस कॉल की आवाज़ ने कैली को फ़ायदा करवाने की बजाय और मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि फ़ोन की आवाज़ सुनकर बाघ यहाँ पहुँच गया, जिसने पहले तो फ़ोन पर पैर रखकर इसे तोड़ दिया। राहत की बात यह थी कि अब तक उसने कैली को नहीं देखा था, लेकिन ये राहत भी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी क्योंकि छिपी हुई कैली का पसीना नीचे जाने लगा और इसकी गंध से टाइगर को उसकी लोकेशन मिल गई। टाइगर कैली पर हमला करने के लिए चिमनी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कैली चिमनी में ऊपर की तरफ चढ़ती हुई ऊपर के फ्लोर से बाहर निकल जाती है। यहाँ उसे टॉम भी मिल जाता है। कैली टॉम को लेकर कंप्यूटर चालू करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया भी फेल साबित हो गया तो वो टॉम को लेकर बेड के नीचे छिप गई और टाइगर को पसीने से स्मेल न आए इसके लिए उसने अपने चारों तरफ परफ्यूम स्प्रे कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ढूंढने के लिए बाघ को सूंघने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बेड के नीचे छिपे दोनों भाई बहन बाघ को पहले से ही दिख चुके थे। बाघ ने उन पर हमला शुरू कर दिया और बेड को उल्टा दिया, लेकिन कैली एक बार फिर से बाघ को चकमा देने में सफल हुई और नीचे जाकर गेट तोड़ने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर गेट तोड़ने की कोशिश नाकाम साबित हुई तो कैली किचन में आ गई और बाघ को खिलाने के लिए फ्रिज से मीट निकालती है। कैली ने इसके छोटे छोटे पीसेस किए और पूरे घर में फैला दिए ताकि उसे कुछ और रास्ता सोचने में कुछ देर का समय मिल जाए। घर में मांस के टुकड़े फैलाने के बाद कैली टॉम को लेकर एक रूम में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसके शरीर पर बाघ के पंजों से कई जख्म लगे हुए थे। कैली को चैन से सांस ले पाती उससे पहले एक बार फिर से बाघ उसके पास पहुंच गया। उसने मांस का एक भी टुकड़ा नहीं खाया, उसे तो कैली और उसके भाई के ताज़ा मांस की सुगंध आ रही थी। बाघ को देख कैली ने फिर से भागना शुरू किया और जॉनी के कमरे में चली गई, जहां उसने बाघ को रोकने के लिए एक डेस्क को दरवाजे पर लगाया और खिड़की खोलने की कोशिश में जुट गई। यहां कैली कांच तोड़ने के अलावा कुछ खास तो नहीं कर पाई। इसके बाद कैली ने जब पीछे देखा तो उसे रैक में पड़ी कुछ बुलेट्स दिखाई दी। इसके बाद उसने थोड़ी और पड़ताल की तो उसे एक पिस्टल भी मिल गई। पिस्टल लोड करके कैली अपने जख्मों पर पट्टी करने लगी। इसी बीच उसे अपने आगे पड़ी टेबल पर कुछ ऐसे कागजात दिखे जिन्होंने उसे बाघ से भी ज्यादा हैरान कर दिया। क्लाइमेक्स के दौरान डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, तो कैली को जो हैरान करने वाले कागजात मिले वो दरअसल इंश्योरेंस के थे, जिन्हें पढ़ने पर कैली को पता चला कि इंश्योरेंस उसके और टॉम के नाम पर ही ली गई थी। अब कैली समझ चुकी थी कि जॉन उसके कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा, क्यों आज वो पूरी रात घर पर नहीं आया, क्यों जॉन ने तूफान का नाम लेकर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करवाए और टाइगर के पिंजरे को किसने खोला। जॉन ने दरअसल जानबूझकर पिंजरे को खोला ताकि टॉम और कैली मारी जाए और वो उनकी इंश्योरेंस क्लेम कर सके। ये जानकर कुछ देर तो कैली जमकर रोती है और फिर उसने हिम्मत दिखाई और पिस्टल में गोलियां भरना शुरू किया। इसके बाद कैली ने टॉम को लॉन्ड्री रूम में छोड़ा और खुद टाइगर को शूट करने निकल पड़ी, लेकिन उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया तो पता चला कि चैम्बर खाली था, इसमें गोली नहीं थी। खाली पिस्टल की आवाज़ सुनकर बाघ ने उसे देख लिया और कैली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कैली यहाँ से भागते हुए किचन में जाती है और देखती है कि टाइगर गैस के ऊपर खड़ा है, इसलिए वो गैस ऑन कर देती है ताकि टाइगर को कुछ नुकसान किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कैली पर हमला करने की कोशिश जारी रखी। यहाँ से भागकर कैली जाती है लॉन्ड्री रूम, जहाँ उसने खिड़की पर लगे बोर्ड को तोड़ दिया और अपने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। बाहर अब भी तूफान और बारिश चालू थे। कैली तुरंत कार के अंदर बैठकर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने भाई का ख्याल आता है जो कि अब भी बाघ के साथी घर में फंसा हुआ था। शुरुआत में कैली उसे याद करके रोने लगी, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई
और अंदर जाकर टॉम को बचाने का फैसला लिया। घर में घुसते ही उसे अपनी पिस्टल वापस मिल जाती है। कैली पिस्टल उठाकर सीधे टॉम को ढूंढने निकल पड़ी। लकीली कुछ ही देर में कैली एक खोपचे में बैठे टॉम को ढूंढ लेती है। टॉम को देख कैली ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कैली एक मशाल तैयार करती है ताकि इस पर आग लगाकर थोड़ा बा को डराया जा सके। मशाल में आग लगाई और कैली टॉम के साथ बाथरूम में जाने लगी। इसी दौरान टाइगर भी उनके सामने आ जाता है। इस बार कैली ने उसे डरने की बजाय आग की मदद से उसे दूर रखा और पिस्टल से कई सारी गोलियां भी उस पर चला दी। टाइगर को इनसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कैली को किचन में मौजूद डीप फ्रिज तक पहुंचने का समय जरूर मिल गया। कैली ने बाघ को आगे से दूर भगाया और टॉम के साथ डीप फ्रिज में छिपकर सो गई। कुछ ही देर में टॉम रोना शुरू हो गया, इसलिए कैली ने उसे लोरी सुनाई जिससे टॉम को नींद आ गई और भाई बहन दोनों ने पूरी रात इस डीप फ्रिज में गुजारी। सुबह ड्रिल मशीन की आवाज़ सुनकर कैली टॉम के साथ बाहर निकली तो उसने देखा कि यहाँ उसका बाप जोनी दरवाजे पर बोर्ड उतारकर एक बंदूक लिए घर में आता है ताकि वो बाघ को मार सके। दरअसल जोनी को कोई सफारी पार्क का बिजनेस नहीं करना था, वो बाघ को बस कैली और टॉम की जान लेने के लिए ही लेकर आया था। इसलिए उसने सोचा कि अब टॉम और कैली का काम तमाम हो गया है। लेकिन घर में कैली और टॉम को जिंदा देख जनाब की होश उड़ गए। अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो जोनी उन्हें खुलेआम मारने की धमकी देने लगा। साथ ही जोनी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ को भी मैंने ही मारा था, उसकी मौत का कारण ड्रग्स ओवरडोज होना तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अब कैली टॉम से अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि टॉम बच्चा है, वो किसी को कुछ नहीं बोल पाएगा, और रही बात मेरी तो कसम से मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, प्लीज़ हमें जाने दो। जोनी उन्हें मना कर ही रहा था कि तभी बाघ ने उस पर हमला बोल दिया और उसे खाने में मस्त हो गया। बस इसी बीच कैली और टॉम को भागने का मौका मिल गया। पूरी रात मौत और ज़िंदगी से लड़ाई करने के बाद दोनों भाई बहन सुरक्षित बच निकले और इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें, मूवी का नाम था बर्निंग ब्राइट था जो कि 2010 के दौरान रिलीज हुई। वहीं बात करें रेटिंग की तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.8 स्टार्स मिली थी। फिल्म की स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना जरूर। धन्यवाद।